नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के अभी 8 बजे हैं और मुझे बनाना है खाना। तो मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं और आपका गांव कौन सा है, शहर से हो या गांव से हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा गांव ना तो गांव की तरह है ना शहर की तरह है, एक नगर है और ये महोबा और हमीरपुर के बीच में पड़ता है। जस्ट महोबा के तो पास ही में है, तो कबरई नाम है। और यहाँ पर पत्थर मंडी है, तो ये हर जगह पर प्रसिद्ध है कि यहाँ से पत्थर मतलब वो होता है, यहाँ से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर है तो पत्थर टूटते हैं, तो यहाँ से मतलब माल सप्लाई होता है। तो यहाँ से हर कोई जानता है कि ये गांव का नाम कोई है जो ना जाने, तो इसका नाम मेरे गांव का नाम कबरई के महोबा ज़िले से हूँ मैं और मेरे गांव का नाम कबरई है। तो ये ना एक शहर है ना पूरी तरह गाँव है, ये एक नगर है जो मतलब नगर पंचायत होती है वही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये नगर है और यहाँ से ज़्यादातर माल सप्लाई होता है, तो ट्रकों की आवाज़ ज़्यादा आती रहती है, ट्रक की आवाज़ ज़्यादा आती है क्योंकि बहुत सारे ट्रक चलते हैं, माल सप्लाई होता है ज़्यादा। पत्थर मंडी है तो जैसे रोड़ी हो गई और राखी है जो, और पत्थर हैं, जीरा है, ये वगैरह माल सप्लाई होता है इसका। हमारे यहाँ गिर गिर पहाड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं, पत्थर फूटे हैं तो उनकी खाई हो गई है पहाड़ों की। तो ये गांव का नाम कबरई है और मैं नगर पंचायत से हूँ, मेरे गांव का नाम नगर पंचायत कबरई है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने आपको आपको मैंने क्लियर कर दिया है। और अब मुझे खाना बनाना है, तो चलिए। तो मैंने कुछ नया किया है, मैंने चूड़ियाँ पहनी है काली काली। अब कल परसों के दिन तीजा है ना, हमारे यहाँ तीज कहते हैं तीजा, तो ये देखिए मैंने काली चूड़ी पहनी है और तीजा में काली चूड़ी पहनते हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं कमेंट में लिख करके। और चलिए फिर ये सामान मैंने बाहर निकाल लिया है और यहाँ कुछ बर्तन रखे हैं, कुछ इस वाले कमरे में रखे हैं। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, अंधेरा बहुत है लेकिन यहाँ पर कुछ सामान मैंने रख दिया है, ये देखिए। और ये पूजा तो मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि हमें अपने किचन की प्लास्टर करवाना है, इसलिए मैंने किचन को खाली कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, और फिर बनाएंगे अब खाना। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च और लहसुन, तो मुझे इसे कट करना है। और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी लिया है, इसे मैंने धुल लिया था अच्छे से, और मैंने हसिया को भी धुल लिया था, पता नहीं फिर लाल लाल सा हो गया काटने से निकला है, देखिए। तो मैं इसे फिर से धुल रही हूँ, जो मुरचा जैसा नहीं हो जाता फिर से लग गया, अभी धुल के रखा था, बारिश हो रही है इसलिए जल्दी मुरचा पकड़ लेता है। तो मैं इसे कट कर लूँगी, धुल लिया है। अब मैं पत्ता गोभी को बारीक बारीक काटूँगी ताकि ये जल्दी पक जाए, खाना मुझे जल्दी बनाना है तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं काटूंगी, तो मैं इसे काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी काट लिया है और जो प्याज है उसे धुल लिया था लहसुन छील करके, हरी मिर्च, और फिर मैंने उनको भी काट लिया है। और ये देखिए, तो मैं अब आ गई हूँ गैस पर, रख दी कढ़ाई मैंने और जला दी गैस, और तेल हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं मेथी और हींग डाल रही हूँ, बस मैं इतनी चीज़ से ही तड़का दूँगी। और अब हम डालेंगे लहसुन, तो मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें लहसुन डाल दी थी और प्याज भी मैंने साथ में डाल दी है, लहसुन थोड़ी सी पकने के बाद, तो प्याज भी भुन गई है हमारी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी को मैं डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ऐसे ही ढक दूँगी, ये थोड़ी अपनी भाप में पकता रहेगा, इसमें पानी निकल आएगा। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स किए दे रही हूँ, देखिए। फिर हम लगाएंगे आटा,
आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है ना, इसलिए मुझे खाने की थोड़ी जल्दी है। तो ये देखिए मैं इसे चला दे रही हूँ और आटा भी लगा ले रही हूँ साथ में। तो यहाँ पर मैं आटा लगा के रख दूँगी कि ताकि थोड़ी देर सेट हो जाए तो पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। मुझे पूड़ी बनानी है तो ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है और इसे मैं ढक करके रख दूँगी एक साइड। तो ये देखिए मैंने आटा लगा लिया था, वहाँ पर परात में रख दिया और इसमें मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया था सब्ज़ी में। और अब मैं टमाटर हमारा पक गया है, मैं आपको दिखा नहीं पाई सॉरी। और इसमें मैं मसाले अब डाल रही हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी पक गई, थोड़ा और पका लूँगी। तो ये देखिए और अब बिल्कुल से पक गई है। और देखिए अब मैं इसे बंद कर दी। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई धो करके पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। पूड़ियाँ मैंने 2-4 बना के रख ली थी ताकि तेल ना हमारा जले, और थोड़ी बहुत बना के रख लो तो जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ियाँ। और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा तेज से भूख लगी क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया और अभी 8 ही बजे, ज़्यादा टाइम नहीं है। पर बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा जल्दी भूख लग जाती है, भूख लगने लगती है, छोटे छोटे हैं दोनों, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी किए ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए पूड़ियाँ तल रही हैं मेरी, और मैं इसी तरह से पूरी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो पूड़ियाँ पत्ते गोभी की सब्ज़ी में हम लोगों को बहुत पसंद है, बच्चे भी मेरे खा लेते हैं, मैं भी खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को कम पसंद है पूड़ियाँ, तो उनके लिए मैं अभी रोटी भी बना दूँगी। तो पहले हम लोग पूड़ियाँ बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा भूख लगी तेज से, तो इसलिए मैं पहले उनके लिए निकाल दूँ, फिर अंश के पापा के लिए रोटी बना दूँगी। तो देखिए मैंने आकृति को पूड़ियाँ दे दी हैं और अब अंश के लिए मैं दे रही हूँ। तो अंश को मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, ये देखिए। और ये सब्ज़ी नहीं खाता है मेरा बेटा, पता नहीं क्यों ज़्यादा नहीं खाया करता। तो यहाँ पर देखिए तो मैं पूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं, अब मैं बना रही हूँ रोटी। आप लोग देख सकते हैं गैस के ऊपर तवा रखा है, तेल में कढ़ाई मैंने उतार के रख दी है, तो आप लोग भी खा लीजिए। मैं यहाँ पर अपने लिए खाना लगा रही हूँ और मैं खा रही हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिएगा। शाम के 8 बज चुके हैं और रात हो गई है, गुड इवनिंग। अभी सोने नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों से गुड इवनिंग बोल रही हूँ। और हम लोगों ने खाना खा लिया है, दोपहर में सो गई थी मैं, तो मैंने कहा चलिए अभी भी आपसे बात कर लेते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है और मेरी अम्मा जी और मेरे हस्बैंड सीरियल देख रहे हैं, सीरियल आ रहा है। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं पत्ता गोभी ये भी मुझे बताइएगा, और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।